स्पॉइल्ड जो अमन था उसको कैसे पता लगा कि जो पोटैटो की सब्जी थी वो खराब हो गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा द बैड स्मेल फ्रॉम द पोटैटो सब्जी गेव द क्लू. तो जो बैड स्मेल, खराब सी बदबू सी गंदी स्मेल आ रही थी ना, उससे उसको पता लग गया अमन को कि पोटैटो की सब्जी खराब हो गई है. स्पॉइल्ड का मतलब होता है खराब हो जाना. Have you ever seen some food that has got spoiled? क्या आपने कभी देखा है खाना जो खराब हो गया हो? Did you know that it was spoiled? क्या आपको समझ में आ जाता है कि वो खराब हो गया है? तो आप कह सकते हैं कि हाँ, देखा ही होगा कभी ना कभी आपने खराब खाना. तो yes, I have seen foods that have gone spoiled. The spoiled food smells bad and shows unusual colors. तो हाँ, मैंने देखा है खाना जो खराब हो गया है. अब जो खराब हुआ खाना होता है ना, उसमें खराब सी स्मेल आती है. बैड स्मेल मतलब खराब स्मेल, और अनयूजुअल कलर मतलब उसके जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है. जैसे कि रोटी खराब हो जाती है तो उसमें फफूंदी लग जाती है ना, ग्रीन से कलर की, व्हाइट से कलर की, उससे हमें पता लग जाता है. क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका. प्रीति टोल्ड नीतू नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी. व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ शी हैड ईटन इट? प्रीति ने नीतू को कहा कि तुम इस पोटैटो की सब्जी को मत खाओ. अगर वो पोटैटो की सब्जी खा लेती तो क्या होता? तो हो सकता है वो बीमार पड़ जाती. शी मे हैव फेलन इल इफ शी हैड ईटन इट. फिर नेक्स्ट है, फैलन इल मतलब बीमार पड़ जाना. लुक इन योर किचन एंड राइट डाउन नेम्स ऑफ फूड आइटम्स. हमें किचन में देखना है और फूड आइटम्स के नाम बताने हैं जो जो दो तीन दिन में खराब हो जाते हैं. दैट गेट स्पॉइल्ड. स्पॉइल्ड का मतलब मैंने आपको बता दिया है खराब हो जाना. तो दो तीन दिन में जो फूड आइटम खराब हो जाते हैं उनके नाम बताने हैं. तो मिल्क हो गया, ब्रेड हो गई, दाल, बॉइल्ड राइस मतलब मिल्क, दूध, ब्रेड, रोटी या फिर जो ब्रेड मार्केट से लाते हैं, दाल मतलब दाल आप खाते हैं, बॉइल्ड राइस मतलब बने हुए चावल, ये सारी की सारी चीजें दो तीन दिन में खराब हो जाती हैं. और कैन बी केप्ट फॉर अ वीक, जो एक हफ्ते तक आप रख सकते हैं. तो पोटैटो, टोमेटो, अनियन, केक, ये सब चीज़ें अगर आप, जैसे पोटैटो तो भारी, पोटैटो अनियन जो है वो तो आप ऐसे ही किचन में रख लीजिए, एक हफ्ते तक नहीं खराब होते, एक हफ्ते से ज़्यादा टाइम तक भी खराब नहीं होते. टोमेटो, केक, ये सब चीज़ें जो है या फ्रिज में रखेंगे तो नहीं खराब होते. वुड नॉट स्पॉइल टिल वन मंथ, एक हफ्ते तक खराब नहीं होते. तो देखिए, कच्चे चावल, ये फ्लोर है, एफ एल ओ यू आर, फ्लोर का मतलब होता है चावल का आटा. ये है देखिए, एफ L O U R है ये, फ्लोर R है ये. तो चावल का आटा खराब नहीं होता. और जो चावल है कच्चे चावल, रॉ का मतलब होता है कच्चा, रॉ राइस मतलब कच्चे चावल. और अचार तो एक महीने, अचार हो गया, घी हो गया, ये सारी की सारी चीजें एक महीने से भी ज्यादा समय तक चल जाती है. अब नेक्स्ट है, लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास. तो आपकी फ्रेंड ने क्या क्या लिस्ट बनाई है, आपने ये लिस्ट बनाई थी, आपके फ्रेंड ने क्या बनाई है वो देखते हैं. तो आपके फ्रेंड की लिस्ट में भी सिमिलर चीजें होंगी. माय फ्रेंड्स लिस्ट आल्सो कंटेन सिमिलर आइटम. मोस्ट ऑफ कुक्ड आइटम गॉट स्पॉइल्ड इन 2 to 3 days. ज्यादातर जो पक्या हुआ खाना जो हम बनाते हैं खाना, वो 2 से 3 दिन में ज्यादातर खराब हो जाता है. और ज्यादातर मोस्ट ऑफ रॉ वेजिटेबल्स गेट स्पॉइल्ड इन अ वीक. रॉ का मतलब होता है कच्चा. तो कच्ची सब्जियां भी लगभग एक हफ्ते में खराब हो ही जाती हैं. और मोस्ट ऑफ द ड्राई ग्रेन्स कैन लास्ट फॉर अ मंथ एंड मोर देन अवन. तो ड्राई ग्रेन्स, ग्रेन मतलब होता है अनाज, जैसे कि चावल, आटा, चावल का आटा हो गया, चावल हो गया, गेहूं का आटा हो गया, ये सारी की सारी चीजें एक महीने से भी ज्यादा समय तक चल जाती हैं और खराब नहीं होती. नेक्स्ट है, विल योर लिस्ट बी द सेम इन ऑल सीजन? What would change? तो क्या आपकी जो लिस्ट आपने बनाई है कि कौन सी चीज कितने समय में खराब हो जाएगी, क्या वो हर सीजन में, सीजन मतलब होता है हर मौसम में, क्या वो एक जैसी रहेगी? तो देखिए, हर मौसम में एक जैसी नहीं होती. सर्दियों में चीजें ज्यादा टाइम तक खराब नहीं होती हैं, सही रहती हैं. गर्मियों में चीजें जल्दी सड़ जाती हैं. तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा नो, द लिस्ट विल चेंज इन डिफरेंट सीजन. लिस्ट बदल जाएगी अलग अलग सीजन में. फूड इजिली गेट्स स्पॉइल्ड इन समर देन इन विंटर. इन रेनी सीजन द एक्सेस मॉइस्चर इन द एयर हैज इन द परसेंटेज प्रोसेस ऑफ स्पॉइलिंग ऑफ फूड. तो मतलब सर्दियों में, गर्मियों में, अलग अलग समय में क्या होता है, सर्दियों में खाना जल्दी से खराब नहीं होता, और बारिश के मौसम में और गर्मियों में खाना जल्दी खराब हो जाता है. तो व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड इन योर हाउस व्हाट डू यू डू विद इट? आपका घर में खाना कब खराब हो जाता है? खराब हो जाता है तो आप क्या करते हैं? तो वी थ्रो द स्पॉइल्ड फूड इन द गार्बेज बिन. खाना खराब हो जाता है तो हम जनरली उसको मतलब डस्टबिन में डाल देते हैं या फिर बाहर रख देते हैं, ताकि खाना खराब होने से पहले, जैसे बचने से पहले बच जाता है, तो आप बाहर भी रख देते हैं, डॉग या काऊ वगैरह खा लेते हैं उसको.
नेक्स्ट है पीजी रिटर्न द ब्रेड, पीजी ने ब्रेड को रिटर्न कर दिया। अब भाई क्यों कर दिया, पिक्चर आपको बुक में देखनी पड़ेगी। लुक एट द पिक्चर ऑफ द ब्रेड पैकेट हियर एंड गेस व्हाई बीजी रिटर्न्ड इट। हाउ डिड शी फाइंड दैट द ब्रेड हैज गॉट स्पॉइल्ड, तो बीजी ने ब्रेड को वापस कर दिया। रिटर्न करने का मतलब होता है वापस कर देना, तो क्यों किया, बीजी को ऐसा क्या लगा कि इसको हमें वापस कर देना चाहिए। तो देखिए बीजी मे हैव फाउंड दैट द एक्सपायरी डेट ऑफ ब्रेड हैड लैप्स्ड, शी मे हैव ऑब्जर्व्ड ब्लैक वेलवेटी स्पॉट्स ऑन द ब्रेड। इसमें तो कुछ ही दिख रहा। तो देखिए ऐसा होता है कि या तो आप एक्सपायरी डेट देख के, had lapsed का मतलब है कि एक्सपायरी डेट से बाहर जा चुकी है। मतलब जैसे कि सपोज करिए आज है 1 मई और उसकी ब्रेड की एक्सपायरी डेट थी कितनी, 25 अप्रैल, तो मतलब खराब हो चुकी है, आप उसे नहीं खा सकते। या फिर आपको फफूंदी सी दिख जाती है ब्रेड पे, ग्रीन और व्हाइट कलर का या ब्लैक ब्लैक कलर के डॉट्स पड़ जाते हैं, उसे देख के भी आप पहचान सकते हैं। तो फाइंड आउट करना है आपको जो चैप्टर है उसमें से, लुक केयरफुली एट 2-3 पैकेट्स ऑफ फूड आइटम, 2-3 पैकेट ऑफ फूड आइटम को आपको ध्यान से देखना है और फिर कुछ चीजें ऑब्जर्व करनी है। तो व्हाट कैन वी नो फ्रॉम व्हाट इज रिटन ऑन द पैकेट, हम पैकेट पे जो लिखा होता है उससे हम क्या समझ सकते हैं, तो हम देख सकते हैं फूड पैकेट कैन गिव अस फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फूड का पैकेट आपको क्या क्या बता सकता है कि उसका रेट कितना है, प्राइस, वेट कितना है, वजन कितना है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग किस दिन वो बना है, डेट ऑफ एक्सपायरी एंड इंग्रेडिएंट्स, तो एक्सपायरी मतलब खराब कब हो जाएगा वो, उसके ज्यादा यूज नहीं कर सकते, और इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है जो जो सामान किस चीज को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो उसका इंग्रेडिएंट होता है। तो प्राइस हो गया, वेट हो गया, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी और इंग्रेडिएंट्स, ये सारी की सारी चीजें हम किसी पैकेट को देख करके पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट व्हाट डू यू लुक फॉर ऑन द पैकेट, जब आप कोई भी चीज मार्केट से खरीदते हैं तो आप पैकेट पर क्या क्या चीजें देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्सपायरी डेट उसकी देखा करते हैं, है ना, और प्राइस और उसका वेट भी जनरली हम देखते हैं। तो आई चेक फॉर द डेट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी, आई ऑल्सो चेक फॉर प्राइस एंड वेट, प्राइस और वेट भी हम लोग जनरली देख लेते हैं। हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड, फूड खराब कैसे होता है, तो क्वेश्चन वन है इसका, होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुगेदर, मतलब क्लास का है कोई बात नहीं देख लेते हैं। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड रोटी, मतलब ब्रेड रोटी लीजिए आप, स्प्रिंकल करिए, मतलब स्प्रिंकल का मतलब देखिए होता है छिड़कना, आप कुछ उस पर पानी की बूंदे छिड़किए और उसे बॉक्स में बंद करके रख दीजिए और हर दिन आप उस रोटी को देखिए जब तक आप उसमें बदलाव नहीं देख लेते, और टेबल से आपको बनाना है और पूरे क्लासरूम में दिखाना है सबको। देखिए तो आप चेंजेस कैसे दिखा सकते हैं, बाई टच करके आप लोग देख सकते हैं कि रोटी जो है वो सॉफ्ट सॉफ्ट होती है ना, फिर उसके बाद क्या होता है वो थोड़ी हार्ड सी होने लगती है कुछ टाइम में, फिर स्मेल मतलब हल्की सी रोटी वाली स्मेल आती है पहले दिन, दूसरे दिन वो थोड़ी सड़ने लगती है, फिर उसके बाद तो स्टिंकिंग स्मेल और खराब खराब स्मेल आने लगती है और भी ज्यादा, बाय लुकिंग थ्रू हेड लेंस, लेंस से और बाय कलर से, लेंस से स्टार्टिंग में देखेंगे तो नॉर्मल रहेगा, कलर भी नॉर्मल, फिर उसके बाद क्या होगा, वेलवेट लाइक व्हाइट पेपर स्लाइटली व्हाइट, तो आप लेंस से देखेंगे तो आपको रेशे रेशे से व्हाइट व्हाइट कलर के दिखने लगेंगे, फिर क्या हो जाएगा, फिर और भी ज्यादा ग्रीन ग्रीन कलर के रेशे आ जाएंगे, फिर वो ग्रीन फिर ब्लैक में चेंज हो जाएंगे, ग्रीन ब्लैक व्हाइट, मतलब व्हाइट सबसे पहले व्हाइट रहेगा, फिर ग्रीन ग्रीन सा हो जाएगा, फिर उसके बाद ग्रीन और ब्लैक, फिर बाद में ब्लैक जब बिल्कुल खराब हो जाएगी वो, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, फाइंड आउट द रीजन फॉर दीज चेंजेस, फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम ऑन द ब्रेड, तो व्हाइट व्हाइट सी जो लेयरिंग होती है ना उसको हम कहते हैं फंगस। तो देखिए क्या रीजन है कि इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं और जो फंगस है वो कहाँ से आई, तो देखिए दीज चेंजेस अकर बिकॉज ऑफ रॉटिंग ऑफ ब्रेड, रॉट का मतलब होता है सड़ना, तो ये चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं रोटी में क्योंकि रोटी जो है वो सड़ रही है, और द स्पोर्स ऑफ फंगस आर प्रेजेंट इन द एयर, तो फंगस कहाँ से लगती है किसी भी चीज पे, जो फंगस है ना वो हमेशा हवा में प्रेजेंट होती है, उसके स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स आप कह सकते हैं छोटे छोटे दाने जैसी चीज, तो छोटे छोटे दाने जैसी चीज जो होती है वो हमेशा जनरली हवा में प्रेजेंट होती है। वेन दे गेट अ मॉइस्ट सरफेस एंड फूड दे बिगेन टू ग्रो, और जब भी उनको मॉइस्ट, मॉइस्ट मतलब हल्की नमी वाला, गीला गीला सरफेस, गीली सी जगह मिलती है तो उस पर आकर के बैठ जाती हैं और वहां पर फैलने लगती हैं, ये होता है। तो फंगस हमेशा हवा में प्रेजेंट होती है, जब भी उसको कोई गीला सरफेस मिलता है उस पर आके बैठ जाती है और उस पर बढ़ने लगती है, फैलने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम स्पॉइल ड्यू टू डिफरेंट रीजन, अलग अलग खाना अलग अलग रीजन की वजह से, ये काफी सारे हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं इसमें, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। हाँ, डिफरेंट फूड आइटम अलग अलग रीजन की वजह से खराब होते हैं, और कुछ लोग, कुछ जो है खाना वो ज्यादा लंबे समय तक रखा रहता है, कुछ जल्दी खराब हो जाता है। लिस्ट सम सीजंस एंड कंडीशन इन विच फूड स्पॉइल्ड क्विकली, हमें सीजन बताने हैं, कंडीशन बतानी है जहाँ पर फूड जो है जल्दी से खराब हो जाता है। तो देखिए फूड स्पॉइल क्विकली जब जल्दी से खराब होता है, समर में और विंटर में, रीजन क्या होते हैं, कंडीशन
इन विच फूड स्पॉइल्ड क्विकली, कौन सी कंडीशन जिनमें खाना जल्दी से ख़राब हो जाता है, अगर खाना उघाड़ के हम लोग रख दें, ओपन रख दें, और मिल्क को हम लोग ढंग से बॉयल ना करें, इफ़ मिल्क इज़ नॉट बॉयल्ड प्रॉपरली, इफ़ ग्रीन वेजिटेबल आर केप्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड प्लेसेस, अगर जो ग्रीन हरी सब्जियां हैं वो हम लोग गर्मी वाली जगह और जहां पे नमी है, ह्यूमिड का मतलब होता है हवा में नमी होना, या फिर हवा में नमी ज़्यादा है या फिर गीली जगह है, गर्मी है वहां पर, तो वहां पर भी ख़राब हो जाएंगी। और पिकल्स जो है, पिकल का मतलब होता है अचार, तो पिकल्स आर नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मॉइस्चर, अगर हम लोग जैसे कि अचार में गीली चम्मच डालते हैं तो वो भी खराब हो जाएगा, मॉइस्चर से खराब हो जाता है। फिर सिंपल मेथड से हम लोगों को बताना है कि फ्रेश एक दो दिन कैसे रह सकते हैं, तो देखिए मैचिंग वाला ही देख लेते हैं कि फूड आइटम आप कैसे बचा सकते हैं। तो अगर आपका मिल्क है तो आप उसको बॉइल कर लीजिए, उबाल लीजिए, तो आपका वो दो तीन दिन अपना चल जाता है फ्रिज में रख के। फिर कुक्ड राइस, पका हुआ चावल जो है, पुट इन अ बोल एंड कीप द बोल इन कंटेनर विद सम वाटर, तो बोल में रख दीजिए और बोल में कुछ जो है पानी नीचे की तरफ रख दीजिए, तो चावल आपका सही रहेगा। और ग्रीन कोरिएंडर, कोरिएंडर का मतलब होता है देखिए धनिया, ये सब ना वर्ड्स आपको लर्न कर लेने चाहिए, क्योंकि जितने आप बड़े होते जाएंगे उतने आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती जाएगी। तो ग्रीन कोरिएंडर, कोरिएंडर का मतलब होता है धनिया। तो धनिया आप लोग क्या करिए, एक क्लोथ में, डैम्प क्लोथ मतलब एक हल्का सा बारीक सा जो कपड़ा है उसमें बांध करके, या फिर आप अखबार में भी बांध करके धनिया को रखेंगे तो भी वो ताजा रहता है। अनियन और गार्लिक तो आप किसी भी सूखी जगह पर रख दीजिए, अनियन का मतलब होता है प्याज, गार्लिक का मतलब होता है लहसुन, तो लहसुन प्याज अनियन गार्लिक को आप किसी सूखी जगह रखिए, सही रहता है। नेक्स्ट है, वाई वॉश शुगर एंड जैगरी मिक्सड इंटू द मैंगो पल्प एंड ड्राइड इन द सन, देखिए शुगर का मतलब चीनी हो गया, जैगरी का मतलब होता है गुड़, तो शुगर और गुड़, चीनी और गुड़ को मैंगो का पल्प का पल्प मतलब होता है मैंगो का जो अंदर का गूदा होता है ना, उसको हम पल्प बोलते हैं, उसको हम लोग मैंगो के पल्प को चीनी और गुड़ मिला करके हम उसमें धूप पे क्यों सुखाते हैं, तो क्यों सुखाते हैं, मामिदी तंत्र, आम पापड़ बनाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, उसका जो पल्प होता है उसको चीनी में मिला करके धूप में सुखाते हैं। नेक्स्ट है, वाइडेड अप द फर्स्ट चूज द मोस्ट राइप मैंगोज टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग द मामिदी तंत्र, तो अप्पा जो थी उन्होंने पहले मतलब बिल्कुल राइप, राइप का मतलब होता है पका हुआ, तो पका हुआ जो मैंगो है, देखिए आपने इसमें दो वर्ड सीखे, राइप सीखा और आपने क्या सीखा, रॉ सीखा, तो राइप का मतलब होता है एकदम पका हुआ और रॉ का मतलब होता है कच्चा, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो राइप मैंगोज, पके हुए मैंगो क्यों उन्होंने चूज किया मामिदी तंत्र बनाने के लिए, क्योंकि देखिए ripe mango contains more juice and less fibers, hence appa first choose the most ripe mangoes to be used for making mamidi tantra, to पका हुआ मैंगो जो होता है आम, उसमें जूस बहुत ज्यादा होता है, फाइबर, रेशे, फाइबर्स होते हैं, रेशे, रेशे कम होते हैं, और इसलिए क्या किया अप्पा ने, जो बिल्कुल पके हुए मैंगो थे उनको यूज किया मामिदी तंत्र बनाने के लिए। फिर नेक्स्ट है, हाउ डिड द ब्रदर्स मेक द मामिदी तंत्र, राइट डाउन स्टेप बाय स्टेप व्हाट डिड दे डू फॉर दिस, तो देखिए आपको पता है इस वाली जो मैंने आपकी ये वाली एक्सरसाइज करवा रही हूँ ना, आपको क्वेश्चन आंसर्स वाली, आपका ऑलमोस्ट पूरा पूरा चैप्टर रिकवर हो रहा है इसमें, फिर भी मैं आपके लिए चैप्टर जरूर कवर करूंगी। तो देखिए ब्रदर्स जो है वो लेके आए थे बाजार से ये सारी की सारी चीजें, मैट मेड फ्रॉम पाम लीव्स, कॉकोशियंस जो है पोल्स, स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क और जागरियन शुगर, तो वो पाम के पत्ते जो है वो लेकर के आए थे, और पोल्स लेके आए थे, वो था ना बैम्बू टाइप का, और मतलब लकड़ी के जो है पोल्स ताकि उनको गाढ़ा जा सके, और स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क, और धागे जो है लेके आए थे जो कि कोकोनट का हस्क, कोकोनट होता है ना नारियल, नारियल के भाल वाला जो भाग होता है उससे रस्सी जैसी बनती है, तो स्ट्रिंग रस्सी हो गया धागे जैसे, और जागरी और शुगर वो पहले मार्केट से लाए, दे मेड अ प्लेटफॉर्म फ्रॉम कॉसोरियंस पोल्स एंड मैट, तो फिर उन्होंने एक प्लेटफॉर्म सा बनाया जैसे कि झोपड़ी टाइप की, ऐसे बनाते हैं ना ऐसे करके डंडे गाड़े होंगे ऐसे करके चार, फिर उसके बाद ऐसे करके जो वो बनाते हैं ना हट टाइप की जैसे कि बना देते हैं, फिर इसके नीचे सुखाने के लिए रखते हैं इसके लिए। फिर उन्होंने क्या किया, मैंगो का जूस निकाला, मैट लेके आए, पोल्स उन्होंने लगा दिए, मैंगो का जूस निकाला, उसको फिल्टर किया, छाना बारीक कपड़े में ताकि उसमें से जितने फाइबर्स थे रेशे वो निकल जाएं, फिर एक बारीक सी लेयर जूस की स्प्रेड कर दी, फैला दी पूरी मैट पे, और उसको सुखाने के लिए छोड़ दिया। फिर इवनिंग में एक लेयर जो है दिन में सूख गई, फिर इवनिंग मतलब शाम, शाम के समय लेयर को क्या है डस्ट से ताकि उस पे जो है मिट्टी वगैरह ना आए एक और साड़ी से कवर कर दिया गया। हर दिन जो है हर लेयर के ऊपर एक बारीक बारीक लेयर उसके ऊपर लगाई गई। फिर कुछ लगभग चार हफ्तों बाद, फोर वीक्स लगभग एक महीने बाद, एक गोल्डन सा केक जैसा बन गया मामिदी तंत्र
कुड बी मेड। फिर मामी दी जो तंदरा था वो बहुत ही मोटी सी लेयर का, जैसे इस टाइप का आम का कहते हैं ना कि आम का पापड़ है ये, तो आम का पापड़ जैसा ही होता है वो, उस वही होता है मामी दी तंत्र, इस तरह का मामी दी तंत्र बन गया। व्हाट थिंग्स आर मेड इन योर हाउस फ्रॉम राइप एंड अनराइप मैंगोज, तो आपके घर में पके हुए आम और कच्चे आम से क्या क्या बनता है। तो देखिए पके हुए जो कच्चे कच्चे आम होते हैं उनसे पिकल बनता है, चटनी बनती है ना अनराइप मैंगो से, और आम पापड़ इज मेड फ्रॉम राइप मैंगो। आम पापड़ आमिदी तंद्र जो है वो पके हुए आमों से बनता है, मैंगो शेक भी जो है वो पके हुए आम से बनता है। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिकल्स दैट यू नो अबाउट, अलग अलग तरीके के जो पिकल्स, मतलब पिकल का मतलब होता है अचार, अलग अलग तरीके के अचार जो आप जानते हैं उनकी आप लिस्ट बनाइए। तो पिकल्स आर मेड ऑफ फॉलोइंग आइटम्स, इन इन आइटम्स के पिकल्स बनते हैं, जैसे मैंगो, आंवला, चिली, लेमन, जैक फ्रूट, कैरेट, रेडिश, पोटैटो। तो मैंगो आम हो गया, आंवले का बनता है अचार, मिर्ची का अचार बनता है, लेमन का अचार बनता है, इन सारी की सारी चीज़ों का जो है वो अचार बनता है। अब हाँ, तो ये हमारा फाइनली अब जो है